सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, चलिए आज का अभ्यास शुरू करते हैं। बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा एक हिंदी में स्वागत है। कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 20। बच्चों, पाठ 20 हमने पढ़ लिया था और किताब का यानी पुस्तक का अभ्यास भी हमने कर लिया था। आज हम करेंगे इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। हमारा पाठ है ऋषि का आश्रम, पाठ है 22, पाठ 20 ऋषि का आश्रम। ऋषि का आश्रम, तो बच्चों इस पाठ को हमने पढ़ लिया, समझ लिया और उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रश्न उत्तर करके देखते हैं आपने कितना समझा है। आज हम करेंगे अपना अगला अभ्यास प्रश्न 1. ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। अब हम लिखेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमारे पास है, प्रश्न 2 में हम लिखेंगे आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे। आश्रम आश्रम में कौन कौन से नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही जानवर घूमता था, तो कौन सा से जानवर घूमते थे। आश्रम में मौपे की मात्रा में कौन से जानवर जानवर घूमते 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 थे। आश्रम में कौन से जानवर घूमते थे, यह है दूसरा प्रश्न। आश्रम में कौन से जानवर घूमते थे, उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर 1 में हम लिखेंगे आश्रम आश्रम में मापे एक की मात्रा में मृग मृग यानी हिरण मृग घूमते थे। आश्रम में मृग घूमते थे, आश्रम में मृग घूमते थे, यह दूसरा प्रश्न। उसके बाद हम लिखेंगे तीसरा प्रश्न 3। प्रश्न 3 में हमारे पास है आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे। आश्रम आश्रम में आश्रम आश्रम में कवे अ की मात्रा कौन कौन शिक्षा शिक्षा लेने नवे ए की मात्रा ले नवे ए की मात्रा ले आ ते हपे ए की मात्रा थे। आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे, तो यहाँ पे उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 3 आश्रम आश्रम में मपे की मात्रा में बालक 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 शिक्षा शिक्षा लेने लपे की मात्रा ले नपे की मात्रा ने आ ते थपे एक की मात्रा थे। तो यहाँ पे आश्रम में कौन की जगह बालक शिक्षा लेने आते थे, पूरा हम प्रश्न से लिखेंगे। तो ये है प्रश्न उत्तर बच्चों। पहला प्रश्न है ऋषि का आश्रम कहाँ था, ऋषि का आश्रम कहाँ था।
आश्रम ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। ऋषि का आश्रम गंगा किनारे था। आश्रम में मृग घूमते थे। आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे? आश्रम में बालक शिक्षा लेने आते थे। तो यह पहले दिन, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे लिखते हैं। चलिए आगे का प्रश्न करते हैं। प्रश्न चार में हम लिखेंगे, प्रश्न चार में हमारे पास है, प्रश्न चार में हमारे पास है ऋषि ने ज्ञान और अक्षय, ज्ञान और अक्षय जंगल में क्या करने गए। ऋषि और ज्ञान जंगल में क्या करने गए? तो हम उत्तर में लिखेंगे, उत्तर चार में हम लिखेंगे, ज्ञान और अक्षय, यहां पे हम और भी लिखेंगे, ज्ञान और भी लिखेंगे यहां पे, और ज्ञान और अक्षय, ज्ञान और अक्षय जंगल में, मापे एक ही मात्रा में, लकड़ियां बीनने गए। ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियां बीनने गए। ज्ञान और अक्षय जंगल में क्या करने गए? ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियां बीनने गए। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न पांच में है, ऋषि दोनों को लेकर गए। ऋषि दोनों को ढूंढने क्या लेकर गए? यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर में, क्या बताएंगे क्या लेने कर गए थे ऋषि? जब ऋषि दोनों यानी अक्षय और ज्ञान को ढूंढने जंगल में गए तो क्या लेकर गए? तो हम यहाँ लिखेंगे लालटेन लेकर गए। तो हम यहाँ लिखेंगे ऋषि, री शॉपिंग छोटी की मात्रा शी, दोनों दोपेयों की मात्रा दो, नौपेयों की मात्रा नौ, को ढूंढने धपे बड़े की मात्रा ढ, नौपे ए की मात्रा ने, दोनों को ढूंढने लालटेन
लेकर गए, लालटेन लेकर गए, ऋषि दोनों को ढूंढने लालटेन लेकर गए। इस तरह से बच्चों हमने पांचवा प्रश्न भी कर लिया, आप इन्हें भी अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखेंगे। ज्ञान और अक्षय जंगल में क्या करने गए, ज्ञान और अक्षय पूरा प्रश्न से लिखेंगे। जंगल में लकड़ियां बीनने गए, ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियां बीनने गए। ऋषि दोनों को ढूंढने क्या लेकर गए, ऋषि दोनों को ढूंढने क्या लेकर गए, ऋषि दोनों को ढूंढने लालटेन लेकर गए, ऋषि दोनों को ढूंढने लालटेन लेकर गए। तो इस तरह से बच्चों हमने पांचवा प्रश्न भी कर लिया, आप इसे भी लिख लीजिए। चलिए अब हम करेंगे छठा प्रश्न, चार मैं मिटा दे रही हूं। छठा प्रश्न हमारे पास, जो छठा प्रश्न है उसमें हम लिखेंगे, चलिए दूसरे प्रश्न को भी हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे छठा प्रश्न। अब छठे प्रश्न में हमारे पास है छठा प्रश्न, छठे प्रश्न में हमारे पास है जंगल में क्या हुआ था। प्रश्न छह, जंगल जपे बिंदी ग और ल, जंगल में मपे की मात्रा में क्या हुआ था, जंगल में क्या हुआ था। तो हम उत्तर में लिखेंगे जंगल में, उत्तर छह में हम लिखेंगे जंगल में, जंगल में जोर जोर में, जोर रो लिखेंगे प्रश्न छह में जंगल में क्या हुआ था। जंगल में उत्तर में हम लिखेंगे जंगल में जोर की आंधी आई, जंगल में जोर की आंधी आई, की आंधी आई आई और बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, जंगल में जोर की आंधी आई और बारिश शुरू हो गई। तो ये था हमारा छठा प्रश्न। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न छह को भी हम अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखेंगे। जंगल में क्या हुआ था, जंगल में जोर की आंधी आई और बारिश शुरू हो गई, जंगल में जोर की आंधी आई और बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों इस तरह से जितने भी प्रश्न उत्तर आज हमने किए हैं आप उन्हें अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखेंगे और लिख करके याद करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को अपनी क्लास बुक कॉपी में लिखकर पूरा करेंगे और उसके बाद इनको याद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। ऋषि का आश्रम कहाँ था, ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था, ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे, आश्रम में मृग घूमते थे। तो बच्चों आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे, आश्रम में मृग घूमते थे। आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे, आश्रम में बालक शिक्षा लेने आते थे। अक्षय और ज्ञान और अक्षय जंगल में क्या करने गए, ज्ञान और अक्षय जंगल में क्या करने गए, ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियां बीनने गए, ज्ञान और अक्षय जंगल में लकड़ियां बीनने गए। उसके बाद हमारे पास है ऋषि दोनों को ढूंढने क्या लेकर गए, ऋषि दोनों को ढूंढने क्या लेकर गए। बच्चों ऋषि दोनों को ढूंढने लालटेन लेकर गए, छठा प्रश्न था।
जंगल में क्या हुआ, जंगल में क्या हुआ, जंगल में जोर की आंधी आई और जंगल में जोर की आंधी आई और बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, कल के वीडियो में हम अपना अगला अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय।